नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिशक न्यूज। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंड न्यूज में। साथियों, यहां पर बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। किन सरकार ने 24,000 रुपए मानदेय जारी किया है किसी भी संविदा श्रमिक के लिए। तो साथियों, यहां पर आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर एक बड़ा समाचार, बड़ी खबर अपडेट हो रही है। न्यूनतम मानदेय 24,000 पर खुशी जाहिर की, फरमान से संविदा श्रमिकों की बल्ले बल्ले। अमर उजाला ब्यूरो अनपरा से ये प्रकाशित किया गया समाचार है। प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनी आदि संस्थाओं में 24,000 से कम मानदेय नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार के उस निर्णय का संविदा श्रमिकों ने स्वागत किया है, जिसमें किसी भी प्राइवेट, सरकारी, अर्ध सरकारी कंपनी, संस्थान, होटल या किसी अन्य जगह काम करने वाले लोगों को वेतन 24,000 प्रति माह से कम नहीं मिलेगा। यदि उन्हें इससे कम वेतन मिलता है तो इसकी शिकायत के लिए अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें वो शिकायत की जा सकती है और शिकायत करने जा सकते हैं। आदिवासी बहुल्य व द्रुह क्षेत्र वाले इस जनपद में संविदा श्रमिकों की तादाद काफ़ी है। खनन क्षेत्र हो या फिर सरकारी व निजी परियोजनाएं, सभी स्थानों पर संविदा श्रमिकों से काम चलाया जा रहा है। गौरतलब बात यह है कि इन संविदा श्रमिकों से ताबड़तोड़ मेहनत, जी तोड़ हार तोड़ मेहनत कराई जा रही है, लेकिन वेतन के नाम पर इन श्रमिकों को सिर्फ 5 से 10,000 रुपये ही दिए जा रहे हैं। इन संविदा श्रमिकों को समय से वेतन भी नहीं मिलता है। इसे लेकर विभिन्न परियोजनाओं में संविदा श्रमिकों द्वारा प्रदर्शन व घेराव भी किया गया है। इसी बीच श्रम मंत्रालय का एक आदेश संविदा श्रमिकों को राहत देने वाला आया है। किसी भी विभाग या निजी संस्थानों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को श्रम मंत्रालय ने तय कर दिया है। इसके तहत संविदा श्रमिकों को प्रतिमाह 24,000 रुपए मानदेय से कम नहीं दिया जा सकता। न्यूनतम वेतन न देने की शिकायत जिले के उपक्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त से भी की जा सकती है। तो जैसा कि आप सभी इस बात को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अब आप सामूहिक रूप से जाकर उपक्रम आयुक्त या सहायक श्रम आयुक्त से भी शिकायत कर सकते हैं। जिले में जाकर अगर आपकी संस्थान, आपका विभाग आपको 24,000 रुपए से मानदेय कम दे रहा है तो आप जाकर संयुक्त रूप से और संगठित होकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो यदि खास खबर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, बने रहिए हमारे साथ अनुदेशक न्यूज पर। साथियों, एक जानकारी आपको बताना चाहेंगे। अनुदेशक न्यूज यानी कि एंड न्यूज के माध्यम से ब्लॉग शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम अनुदेशक शिक्षकों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों का एक वीडियो अपलोड किया करेंगे, जिसमें उसके जीवन संघर्ष और उसकी सफलता की ऊंचाइयों को दिखाएंगे, ताकि समाज में ये संदेश जा सके कि संविदा शिक्षक, चाहे वो अनुदेशक शिक्षा मित्र या कोई और टीचर हो, वो किस तरीके से अपना कार्य को अंजाम दे रहे हैं और कितने अच्छे लेवल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ये हमारी। तो साथियों, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे ब्लॉग से। अगर आपने देश और दुनिया में अपना नाम, अपने बच्चों के द्वारा नाम कमाया है, अपने विभाग को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपका वीडियो अपने ब्लॉग में आपकी जीवन संघर्ष को एक प्रेरणादायक वीडियो के रूप में अवश्य दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।